नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम आपको माता लक्ष्मी की एक कथा सुनाएंगे, जो कि वैशाख महीने में पीपल के वृक्ष की सेवा करने से हमें क्या पुण्य मिलता है और पीपल का वृक्ष सींचने से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और साथ में हमारे पितरों का भी आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता है। तो चलिए हम सुनते हैं ये माता लक्ष्मी की कथा। एक किसान था जो कि बहुत ही गरीब था। उसकी एक बेटी थी। वह हमेशा अपनी बेटी के बारे में चिंता किया करता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ कैसे पीला करूंगा, यदि मुझे कुछ हो गया तो हमारी बेटी की कौन देखभाल करेगा। इसी सब चिंता में अक्सर खोया रहता था और उसकी यह चिंता देखकर उसकी बेटी बहुत ही मनी मन दुखी रहती थी। वो सोचती थी कि मैं क्या करूं ऐसा अपने बाबा के लिए कि हमारी बाबा की सारी चिंताएं दूर हो जाएं। एक दिन गांव में उसने किसी से वैशाख महीने में पीपल वृक्ष की सेवा करने के महत्व को जाना। किसी ने बताया कि वैशाख महीने में यदि कोई पीपल के वृक्ष की सेवा करता है, उसे जल से सींचता है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ में उसके पितरों के भी कृपा उसे प्राप्त होती है। ऐसा सुनकर किसान की बेटी बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि अब हम भी पीपल के वृक्ष को सींचेंगे, इसमें हमारा कोई धन भी नहीं जाएगा और हमें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और उनके आशीर्वाद से हमारे बाबा की चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वह पीपल के वृक्ष को सींचने लगी। वह प्रतिदिन पानी लेती और पीपल के वृक्ष को सींचती। एक दिन पीपल के वृक्ष से माता लक्ष्मी निकली। माता लक्ष्मी उस किसान की बेटी से बोली, तू मेरी सहेली बनोगी? बेटी ने कहा, अपने बाबा से पूछ के बताऊंगी। जब किसान की बेटी ने यह बात अपने पिताजी को बताई तो किसान ने बोला, बेटी इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि माता लक्ष्मी तेरी सहेली बनेंगी, तू बन जा सहेली। दूसरे दिन लड़की फिर गई तो माता लक्ष्मी निकल कर आई और बोली, मेरी सहेली बनोगी? और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको एक दिन भोजन पे बुलाया। लड़की अपने बाबा से बताई कि बाबा, मुझे मेरी सहेली ने भोजन पे बुलाया है। तब पिताजी ने कहा, बेटी वह लक्ष्मी जी हैं, उनके घर थोड़ा संभल के जाना। जब वह लक्ष्मी जी के घर भोजन के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल दुसाला दिया, ओढ़ने के लिए पैसे रुपए परखने के लिए और सोने चांदी की चौकी दी बैठने के लिए और सोने की थाली दी भोजन करने के लिए, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन परोसे। जब यह सब करके वह अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पीछे से पकड़ लिया और बोला, सहेली मैं भी तेरे घर भोजन करने आना चाहती हूँ। लड़की बोली, आ जाना। जब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई तो उसके बाबा ने पूछा, तुम तो अपने सहेली के घर भोजन पर गई थी और आ गई, इतनी उदास क्यों हो? तब लड़की ने बताया कि बाबा, लक्ष्मी जी हमारे घर भोजन के लिए आएंगी, उन्होंने तो मुझे इतने व्यंजन कराए, इतना हमारा स्वागत किया, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे घर तो कुछ भी नहीं है। पिताजी ने कहा, तू चिंता मत कर बेटी, गोबर ला, साफ सफाई कर, अपने रसोई को सजा, सोने की चौकी नहीं तो ये चौकी ले ले, चार मुखी दीपक जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर हाथ में लड्डू लेकर बैठ जाओ। लड़की ने साफ सफाई करी, हाथ में लड्डू लेकर बैठ तो गई, लेकिन उसका मन हमेशा चिंतित था। उसे लगता था कि हम लक्ष्मी जी के स्वागत में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसी समय ऊपर से एक चील अपने चोंच में सोने का हार दबा के जा रही थी। जब उसने हाथ में लड्डू देखा तो वह अपने चोंच से हार को छोड़कर लड्डू को दबा के लेके उड़ गई और यह देख लड़की हैरान रह गई। उसने बिना समय गवाए वह हार लेकर बाजार गई और हार को बेचकर अपनी सखी लक्ष्मी के लिए स्वागत के वह सब सामान ले आई जो वह लाना चाहती थी। रसोई में फिर उसने मन पसंद उनकी रसोई बनाई और गणेश जी को भेजा लक्ष्मी माता को बुलाने के लिए। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे माता लक्ष्मी आए। उसने सामने चौकी डाल दी और बोला, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि सहेली मैं तो राजा रानी के घर चौकी पर नहीं बैठी, किसी के घर नहीं बैठी। तो लड़की ने कहा, मेरे घर तो बैठना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी तुम सहेली हो। तब
लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं और खूब खातिरगरी और प्रेम से भोजन कराया। यह देख लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और बहुत खुश हुई। उन्होंने इस लड़की को खूब पैसे रुपए दिए और धन दौलत देकर किसान की बेटी को अमीर बना दिया, उसकी झोपड़ी को महल में बदल गया। और यह सब देखकर किसान की बेटी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कहा, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा करी है, आपकी जो सेवा करे आप सभी पर अपनी कृपा बनाना, सभी के कष्टों को दूर करना। माता लक्ष्मी की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी माता लक्ष्मी की। यदि हमारी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।